आरजे भाई ब्लॉगर। सो गाइस, आज हम लोग जा रहे हैं एलआईसी पार्क। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, हम लोग चल के जा रहे हैं। और भाई आज का मौसम भी बहुत सही हो रखा है। मैं तो घर में भाई सो रहा था मस्त। और भाई राज भाई यहाँ है, अचानक से साला प्लान बना कि चलो भाई एलआईसी पार्क घूम आते हैं। हमने कहा चलो भाई ब्लॉग भी बना लेंगे वहीं पे। तो गाइस आप मौसम देख सकते हैं आज का कितना ही अच्छा है, जबरदस्त है। ये देखो भाई बस अभी क्या ही गजब हो रखा है। बस अभी थोड़ी सी हवा चल रही थी, हवा चलना बंद हो गई है। ओ भाई क्या एग्जॉस्ट है भाई साहब, पता ही सेक्सी यार। भाई आप लोग ने भी सुनी होगी आवाज़ कितनी गजब थी। अभी हम लोग जाने वाले थे छप्पन भोग, लेकिन भाई वो बहुत लंबा पड़ जाता है, तो हम लोग दूसरा शॉर्टकट लेके आ गए हैं। और भाई यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, बस थोड़ी दूर पे, मतलब 5 कदम की दूरी है। और ये शॉर्टकट ऑक्सफोर्ड के ठीक बगल वाला रास्ता है, ऑक्सफोर्ड स्कूल के। सही बात है। और भाई यहाँ पे एक मंदिर भी है, जिसके बारे में हम लोग बाद में कभी व्लॉग में बताएंगे। और जिस मंदिर के नाम से ये दुर्गा माता जी का मंदिर है यहाँ पे, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। यह भाई आपको दिखाएंगे। ओके चलिए आपको दिखाते हैं वो मंदिर। गाइस ये है वो मंदिर, ये दुर्गा माता जी का मंदिर है जैसा कि आप देख सकते हैं। और ये बगल में पार्क भी है शायद। अब यहाँ तो मैं अभी गया नहीं हूँ, बाद में फिर किसी व्लॉग में बताया था, आपको बताते हैं अगर टाइम मिला तो। गाइस मंदिर है, ये विंध्यवासिनी माता जी का मंदिर है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आरती हो रही है शायद। ये मंदिर देखिए कितना अच्छा है। और भाई रात में तो और ही अलग व्यू आता है यार इसका। जैसा कि आपने मंदिर देखा, ये विंध्यवासिनी माता जी का मंदिर था यहाँ पे, ये भी मंदिर बहुत अच्छा है। और भाई व्यू इसका रात में और ज़्यादा गजब का लगे, भाई ये लोग लाइटनिंग गजब करके रखे हैं। और ये गाइस ये भी पार्क है हमारे पीछे, देख सकते हैं आप। भाई दिखाइए आप, ये देखिए गाइस, शायद आपको दिख रहा हो नहीं दिख रहा हो कोई कह नहीं सकता। अगर इससे ज़्यादा ऊंचा हम नहीं हो सकते क्योंकि भाई ये हमारी हाइट ही हाइट इतनी है भाई, गरीब इंसान। इसमें हाइट से गरीब इंसान का कोई लेना देना नहीं है वैसे भाई। भाई देखो गरीब इसलिए क्योंकि भाई कॉम्प्लेन नहीं पीते हम लोग। सही बात है भाई, गरीब का लेना देना है इसमें भाई पूरा। गाय थी अभी हम लोग ऑक्सफोर्ड वाली रोड पर आ गए। आगे वाली, आगे वाली है ऑक्सफोर्ड का साइड, ये वाला नहीं, ये वाला बस स्टैंड है, ये आगे वाला। हाँ इस पार्क का नाम शायद गाइस कृष्णा पार्क है, जैसा कि आप देख सकते हैं। और एकदम खाली रोड है यहाँ पे भाई, अभी तो कोई, क्योंकि भाई मेन रोड नहीं गली है ये, तो खाली होगी। मेन रोड होती भाई पूरा, मतलब ये स्कूल के टाइम पे ज़्यादा भरी रहती है। हाँ भाई स्कूल के टाइम पे तो भाई ऐसी भरी रहती है, ऐसे लगता है माल पता नहीं कौन से जंगल से छूट के आए हैं सब। हाँ भाई अच्छी बात तो ये है, मैं भी उसी जंगल का एक हिस्सा हूँ। सही ऑक्सफोर्ड स्कूल का, ये है भाई ऑक्सफोर्ड, ये है भाई ऑक्सफोर्ड की बस स्टैंड जहाँ खड़ी होती है, बस स्टैंड का पार्क है। ये देखो बस खड़ी, बस स्टैंड खड़ी है। अरे भाई मतलब जो भी हो, अभी तो भाई स्कूल बंद चल रहा, दिमाग की वैसे ही ऐसी तैसी हो रखी है। हाँ भाई क्योंकि अभी गर्मियों में छुट्टी है। हाँ और गर्मियों में भाई हालत खस्ता हो रखी होती है। इसी गर्मी में हम लोग को प्लान आया था गाइस, देख सकते हैं ऑक्सफोर्ड स्कूल हमारे सामने है, जस्ट सामने है भाई। अभी दिखाएंगे इधर से, आइए दिखाते हैं आप लोग को। वो देखिए अपना ऑक्सफोर्ड दिख रहा होगा आपको। सो गाइस हम लोग भाई बस पहुंचने वाले यहाँ से, लगभग यहाँ से नहीं लेते हैं, आगे से टर्न लेते हैं। आगे से टर्न लेते हैं। सॉरी गाइस प्लान फिर से चेंज होता है, आप लोग को ऑक्सफोर्ड नहीं दिखा पाएगी यस भाई की वजह से, क्योंकि इन्होंने प्लान चेंज कर दिया फिर। भाई देखो जो रास्ता ज़्यादा छोटा होगा उसी पे तो जाहिर सी बात है जाएंगे, ऐसा तो आने में घंटों टहलते ही हुए आपको बिता देंगे। A few moments later. भाई सभी यार देखो हल्की फुल्की आंधी भी आ रही है, और देखो भाई बारिश का मौसम बन रखा है। भाई अपने भाई लोग को दिखाओ जरा मौसम, देख सकते हैं आप कितनी जोर की आंधी आ रही है। हवा देखिए कैसे पीछे से, देखिए भाई आप अगर भाई आपको समझ में आ रहा होगा तो देखो भाई कितनी तेज भाई हवा चल रही है, पीछे से ऐसे आ रही है, देख सकते हैं आप कुछ दिख नहीं रहा भाई। मुँह में सब आंधी धूल मिट्टी जा रही है जैसा कि आप देख सकते हैं।
भाई अब तो भाई बहुत ही ज्यादा जरूर रखा मेरे को भाई सही से, मतलब कि वो दिख नहीं रहा है, ब्लर ब्लर सा छा रहा सब। देख सकते हैं आप, देखिए आंधी बहुत जोर की आ रही है। तो भाई ओ भाई 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 भाई, और अब हम लोग आ गए ये ब्रिज के नीचे। आ चुके हैं भाई साइड, आ जाओ इधर आओ। ब्रिज के नीचे आ गए हम लोग। तो गाइस ये कार पहले निकल जाता हम लोग, ये चांदी आ रही है आप देख सकते भाई। कटे ना भैया, आँख आँख में बहुत जा रही है आज का। तो भाई ऐसा लग रहा है कि ऐसे हम लोग आंधी में फोन लेके उड़ जाएंगे और फिर आंधी का व्लॉग बनाएंगे कि भाई देखो लाइव एयर में देखना बिना एरोप्लेन के। अरे भाई 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 कितना गजब का व्लॉग बन रहा है, देख सकते हैं आप। आंधी ठंडी ठंडी हवा, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, आंधी भी आ रही है, बारिश भी होने रास्ता यही है। गाइस देख सकते हैं बस आ गए हम लोग। A few moments later. अभी हम लोग रास्ता भटक गए थे थोड़ा सा बस यस भाई की वजह से। मैं कह रहा था ये ब्रिज वाला रास्ता, ब्रिज के बगल वाली रोड नहीं है, उसके आगे वाली है, लेकिन ये अपने आगे मानते नहीं है। भाई देखो यार उस समय आंधी इतनी चल रही थी और भाई देखो कुछ समझ में नहीं आ रहा ये रास्ता यही है, देख सकते हैं आप लोग भी। आंधी तो बहुत तेज चल रही है, आंधी बहुत तेज चल रही है यार। गाइस बस हम लोग आ गए एलआईसी पार्क की तरफ, अब उसके अंदर एंट्री करके आप लोग को वहाँ का व्यू दिखाते और भी बहुत कुछ है दिखाने के लिए। चलिए आप लोगों को दिखाते, अब मिल जाए सीधे आपके एलआईसी पार्क के अंदर। एलआईसी पार्क में और गाइस आप लोग देख ही सकते हैं, आइए आप लोग को पूरा पार्क का व्यू दिखाते हैं। आइए चलिए चलिए दिखाते हैं आप लोग को एलआईसी पार्क में मंदिर देख सकते हैं। ये यहाँ कुछ बच्चे क्रिकेट खेल ले वहाँ पे, और ये एलआईसी पार्क का मंदिर है सामने आप लोगों के। भाई इसका साइड व्यू है, साइड व्यू है, लेफ्ट साइड व्यू, मेरी तरफ से तो लेफ्ट ही है आप लोग जैसे। और गाइस मौसम देख सकते हैं आप कितना ही भयानक हो रखा है, लेकिन मजा ही उतनी आ रही है। हाँ भाई आंधी भी आ रही है, बारिश का भी माहौल बना हुआ है कि कब हो जाए कोई पता नहीं भाई। व्लॉग इन रेन भी हो सकता है। हाँ व्लॉग इन रेन भी हो सकता है, अभी तो व्लॉग इन थंडर स्टॉर्म हो रहा है। हाँ गाइस देख सकते हैं आप लोग क्या कितना ही गजब का व्यू है, कई बच्चे क्रिकेट खेल ले, झूला झूल ले, देख सकते हैं आप। ये जा रहे अपने यस भाई चलते हुए, आगे पीछे नहीं देखते कि मैं आ रहा हूँ नहीं आ रहा हूँ, चलते ही जा रहे चलते ही जा रहे, बड़ी नाइंसाफी करते हैं गाइस देख सकते हैं। तो गाइस अभी हम लोग ने अपने एक दोस्त को बुलाया है यहाँ पे फोटो शूट कराने के लिए, कैमरामैन तो, जो भाई अपना कैमरामैन है आशुतोष। वैसे तो भाई है हम लोग का दोस्त ही, लेकिन हम लोग अब उसे कैमरामैन बना रखे हैं। वो फोटो शूट बहुत अच्छी करता भाई, वो फोटो शूट तो भाई गजब ही लेवल की करता है यार। आप लोगों को फोटो शूट हम डाल देंगे कितनी गजब गजब की। और भाई यहाँ देख सकते हो, हो ना हो हमारे लिए। हाँ भाई सही कहा भाई, यहाँ बच्चे खेल रहे हैं और देखो भाई फिर से आंधी चालू हो गई वापस से भाई। यहाँ पार्क है तो भाई पार्क में अभी थोड़ा नहीं समझ में आएगा, क्योंकि जब हम लोग रोड पे थे तो भाई अलग ही लेवल की आंधी हो रखी थी, आंखें नहीं खुल रही थी भाई। तो भाई ये देखो अभी यहाँ पे एक ट्रांसफार्मर है छोटा सा, जिसको मैं उसके अंदर डालने वाला हूँ भाई। देखो इन्हें को फेंक देंगे और बंद करके हम लोग भाग जाएंगे, नहीं जानता मैं, फेंकना पड़ेगा भाई, मैं जानता ही नहीं तुम कौन है। तो गाइस देख सकते हैं आप लोग, अब भाई यहाँ पे थोड़ा कूड़ा वूड़ा भी साइड में है, तो उसको थोड़ा मतलब सूखी घास, सूखी पत्तियाँ, सॉरी घास नहीं सूखी पत्तियाँ, कहता साफ कर दो, साफ ही नहीं करते तो मैं क्या करूँ भाई। भाई देखो जिसका जो काम है वो उसी करना चाहिए, राज भाई का काम है राज भाई करते हैं। रोज मैंने सुबह देखा भाई, रोज भाई भाई पूरा सब कुछ साफ करते हैं यहाँ आके भाई। नहीं भाई अभी बना रहे हैं, कुछ बंदे हम लोग से ऐसी पूछ रहे थे, मस्ती कर रहे थे, हम पता नहीं क्या कर रहे थे, कह रहे थे पार्क की वीडियो बनाई फोटो भेज दो, जाने क्या क्या बोल रहे थे। तो भाई यहाँ पे अभी बच्चे कुछ टाइकोंडो सीख रहे हैं और भाई अब वो राउंड पे है, मैं आपको बैक कैमरा करके दिखाता हूं। चलिए ये दिखाते हैं आपको, देख सकते हैं इधर ही आ रहे हैं हमारी तरफ। ये देखो भाई लोग बच्चे आ रहे हैं, ठीक है कितने प्यारे प्यारे क्यूट से बच्चे आ रहे हैं, देखिए टाइकोंडो रनिंग हो रही है इनकी, देखिए भाई आज शायद बड़े बच्चे नहीं हैं, कल थे जहाँ तक, देखिए भाई बच्चे टाइकोंडो सीख रहे थे, अब भाई रनिंग कर रहे थे, हमारे हुलिया बिगाड़ दिए पूरे पूरे। सही कहा भाई, आंधी ने हुलिया बिगाड़ दिया है, चेहरे के 12 बज चुके हैं
भाई हम लोग सुबह के 9 बजे आके आ रहे थे, लेकिन 12 बज के क्या करें भाई। अब हम लोग जाते हैं थोड़ा घास आस को, घास आस में बैठते हैं भाई। थोड़ी देर में अपना कैमरा मैन आएगा भाई, फोटो शूट करेंगे और फिर भाई उसके बाद हम लोग घर को निकल लेंगे। आइए गाइस उधर चलते, चलो भाई आओ उधर चलते हैं। अभी हम लोग यहाँ बैठे हैं पार्क में, अब आप बच्चे टाइकंडो सीख रहे हैं, देख सकते हैं आप। मौसम देखो भाई कैसा हो रखा है, मौसम देखिए भाई लोग। हवा इतनी गजब की चल रही है कि अब घर जाने का मन भी नहीं कर रहा है, मन कर रहा है ये बैठे आधे घंटे। और अभी टाइम हो रहा है 6:45 हो रहा है टाइम। गाइस उधर बच्चे झूले झूल ले, देख सकते हैं आप। इधर हमारे पीछे ही मंदिर है, देख लीजिए जी आप। ये नारायण धाम हरदेव बाबा जी का मंदिर है, इसका व्यू हम लोग आपको दिखा देंगे। कैमरामैन के साथ और जा रहे हैं भाई फोटो शूट कराने, तो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद। एक और चीज देखिए, हमारा कैमरामैन क्या डॉन लग रहा है भाई साहब, शर्मा गया कैमरामैन। आइए चिप चलते, आ जाइए। One hour later. Guys, अब हम लोग चल रहे हैं घर, क्योंकि भाई टाइम हो चुका है, लेट हो रहा है, तो चलिए चलते हैं। हम लोग ने फोटो शूट भी कर लिया। ये हमारे कैमरामैन भाई, देखिए कितनी भाई, एक बार चश्मा उतार के दिखा दीजिए हमारे को। ये देखिए भाई कितना खतरनाक डॉन लग रहा है। से बाहर आ गए और हम लोग जा रहे घर, और देख सकते हैं हमारे पीछे LIC पार्क है। ये यस भाई चल रहे मस्त अपनी धुन में। आंधी भाई आ रही है, नहीं आ रही है, नहीं है, अब सिर्फ हवा चल रही है कि अभी हम लोग नहीं है। फिर भी थोड़ी बहुत इतनी हवा बहुत तेज चल रही, फिर भी हवा तेज चल रही है, आंधी नहीं आ रही है, आंधी पहले आ रही गई है बस। लेकिन को अभी हम लोग गली में तो यहाँ पता नहीं चल रहा, मेन रोड पे आपको चल के दिखाते हैं, क्योंकि गाइस यहाँ पे ना तो धूल है ना मिट्टी है नहीं यहाँ पे, तो पता चल नहीं रहता। आइए आप लोग से वहाँ चलते हैं, फिर मिलते हैं थोड़ी। तो गाइस अपना आशिक भाई, मतलब जो अपना कैमरा मैन है भाई, वो लगता है थोड़ा आगे निकल गया, क्योंकि हम लोग से पहले निकला था और हम थोड़ा पीछे रह गए, तो अभी दिख नहीं रहा है, शायद आगे चलते हैं हम लोग, देखते हैं आगे। भाई यहाँ पे एक और पार्क है जिसका व्यू हम लोग बाद में दिखाएंगे, फिर कभी दिखाएगी। अभी हम लोग लेट हो रहे भाई साहब, 7 बज गए भाई। भाई रुक जाओ, अभी कार आ रही है, यहाँ थोड़ा रुक जाते हैं। और भाई घर से फ़ोन भी आ रहे हैं क्योंकि मौसम बिगड़ रहा था, इसलिए थोड़ा थोड़ा क्रॉस होते हैं भाई। भाई ये देखो भाई लगातार कार है भाई, ये भाई हम लोग को जाने को नहीं दे रही। चलो भाई आ चलो चलो आ जाइए। तो गाइस ये रहा वो पार्क जिसकी हम लोग बात कर रहे थे, फिर कभी आएंगे आप लोग को दिखा देते हैं। देख सकते हैं आप, ये कुछ नहीं ऐसे छोटा सा ग्रीन बेल्ट में पार्क बना दिया गया है। पहले यहाँ पे खूब सारे पेड़ पौधे हुआ करते थे, अब लेकिन पार्क बना दिया गया है। आइए रोड क्रॉस कर लेते पहले हम लोग। ओ भाई साहब आंसू भाई, पता नहीं शायद वो मेरे ख्याल से आगे खड़ा है। क्या ही बादल दिख रहे कितने अच्छे भाई, क्या ही जहल लेवल का व्यू लग रहा है यार, देख ही सकते हो भाई। हमारा मन नहीं आ गया भाई, दिल आ गया अब भाई लोग, हमारा मन नहीं कर रहा अभी घर जाने, मन तो कर रहा है बैठे, लेकिन मौसम बिगड़ रहा है। दिखा भाई ये बादल, ओ भाई भाई, लेकिन मौसम बिगड़ रहा है, तो घर वाले कह रहे भाई साहब घर आ जाओ जल्दी से, फिर हम लोग को जाना पड़ रहा है। और हम लोग 56 भोग के पास आ गए, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। आंसू भाई का अभी भी नहीं पता चला, शायद खड़ा था वहाँ, पता नहीं दिखा। और जब तक आप लोग इंजॉय, हम लोग 56 भोग और भाई मैं जा रहा हूँ अब घर, क्योंकि भाई बहुत लेट हो चुका है, घर से फोन भी आ चुके हैं। तो गाइस यस चला गया है और हम लोग भी जा रहे हैं अपने घर। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे कैमरामैन साइकिल चला रहे हैं, साइकिल के पीछे बैठा हूँ क्योंकि मैं बहुत थक गया था। और अब आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। ओके तब तक के लिए बाय बाय।